लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। बता दें कि संसद में कई नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। सत्ता पक्ष के लोगों को विपक्ष ने शपथ के दौरान संविधान की कॉपी दिखाई। जब अरुण गोविल ने शपथ के दौरान जय श्री राम बोला तो विपक्ष ने जय अवधेश का नारा दिया। इसके अलावा एक और मुद्दा सुर्खियों में रहा और वो है ओवैसी का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में नारा दिया। बता दें कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी शपथ ली। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के सांसदों को संविधान की किताब दिखाते हुए शपथ ली। शपथ लेने के दौरान विपक्षी नेताओं के हाथ में संविधान की कॉपी नजर आई। आज शपथ लेने वालों में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, सपा चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, डीएमके नेता कनिमोझी, पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत कई सदस्यों ने शपथ ली और दूसरे दिन बाकी बचे सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। सांसदों के शपथ के बाद अब बुधवार को स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और इसी दिन से राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी।